भागलपुर में जर्जर NH-80 पर चिप्पी चढ़ाने का कार्य तेजी से किया जाने लगा है। इसे हम चुनावी चिप्पी भी कह सकते हैं। NH-80 को पुनः दुरुस्त करने के लिए 21 करोड़ रुपया मुहैया कराई गई है, लेकिन जिस तरह से सड़क पर चिप्पी चढ़ाकर उसे दुरुस्त किया जा रहा है वह महीने दो महीने में फिर से जर्जर हो जाएगा। उसके बाद फिर वही हालात होंगे, क्योंकि हजारों ट्रक इस होकर रोजाना गुजरते हैं। कई दफा इस सड़क के ऊपर कोल और गिट्टी डाल दिया जाता है और महज कुछ दिनों में ही इस तरह की सड़क जर्जर हो जाती है। इसको लेकर कांग्रेस नेता भागलपुर विधायक अजीत शर्मा भी अधिकारियों पर जमकर बरसे। अजीत शर्मा ने NH के अधिकारियों को दोषी ठहराते हुए कहा कि NH-80 सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट का अड्डा बन चुका है। जिस तरह से NH पर फिर से काम किया जा रहा है, कुछ दिनों में फिर सड़क की हालत जस की तस हो जाएगी और सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाएगा। देखिए, भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की पूरी रिपोर्ट। NH-80 की दुर्दशा यह है, मैंने पहले भी कहा है, पूरा लूट मचा हुआ है। कई बार तीन बार टेंडर हो गए, काम हो गए, लेकिन सड़क वैसे गड्ढा में तब्दील है। नया सड़क बनाने के अलावा फिर से अभी शुरू कर दिया है, 21 करोड़ या क्या रुपया सैंक्शन हुआ है, फिर से गड्ढे भरे जा रहे हैं, फिर से उड़ेगा। मतलब यहाँ पर जान बूझ के प्रशासन के पदाधिकारी, खास करके NH के, इसको लूट का अड्डा बनाए हुए हैं, इसको कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, ये लूट को बंद कराइए। ये मत कहिए केंद्र सरकार की योजना, ये बिहार में बन रहा है। आपका बिल्कुल दायित्व बनता है, यह लूट को बंद करिए और नए तरीके से फुल सड़क बनवाइए, तभी यह सड़क बन पाएगा, ये मेरा कहना है। जब जब चुनाव होता है तो NH-80 का मुद्दा उठता है और फिर उसी तरह सर चुनावी मुद्दा तो सब चीज हो रहा है। शिक्षक की बहाली का देखिए, सिपाहियों का बहाली का, पुलिस का भर्ती का देखिए, सब चुनाव के समय हो रहा है। जितना माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं सब चुनावी घोषणा। ये समानांतर पुल एक साल पहले सैंक्शन हुआ, आज घोषणा हो रहा है। भोलानाथ पुल जो हमने 10-12 बार विधानसभा में सवाल उठाया और कई बार रेलवे से 3 बार NOC रिजेक्ट हुआ, फिर से सब कराया गया, योजना विभाग में लंबित है 1.5 साल से, उसका कहीं घोषणा नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं यह बनाने से अजीत शर्मा को फायदा होगा। तो ये चीज चुनावी घोषणा, वहां जहां देखते हैं कि दूसरे का ऑपोजिशन को फायदा न हो वहां वो घोषणा कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, घोषणा करिए तो काम करिए, ये सिर्फ चुनाव के समय मत करिए। आप 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी तो आप NDA सरकार के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अभी घोषणा इसके पहले भी हो सकता था काम शुरुआत, लेकिन अगर घोषणा किए हैं तो चुनाव के पहले सबको शुरू करा के दिखाइए। चंपा नाला पुल का जो है अप्रोच रोड ध्वस्त होने लगा फिर से तीसरी बार। हुआ यह है कि चंपा नाला पुल 20 साल से लंबित था, मैंने ही उसको आग्रह करके बनवाया है, लेकिन जो अप्रोच रोड बना है बार बार ध्वस्त हो रहा है। उसको होना यह चाहिए था कि रिटेनिंग वॉल डालना चाहिए था, जो मैंने पहले भी कहा था कार्यपालक अभियंता को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। यह भी जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है, अगर रिटेनिंग वॉल बना दिया जाएगा या बोल्डर पिचिंग कर दिया जाएगा तो वो ध्वस्त नहीं होगा। ध्वस्त होता है फिर से बनाते हैं, फिर से लूट होता है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी संवेदनशील हैं, काम पे ध्यान देते हैं, लेकिन धरातल पर उनकी बात कोई नहीं सुन रहा है, यह बात।